सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है, 8 मार्च को प्रतिवर्ष महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च ही क्यों, हर दिन महिला दिवस होना चाहिए, क्योंकि नारी है निराली, नारी से ही है हर ओर हरियाली। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संगीता गुलाटी दिल्ली से सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। यह दिवस नारी शक्ति के सम्मान के लिए मनाया जाता है। आज मैं इस दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूं, जो इस प्रकार से है। महिला दिवस है आया, महिला दिवस है आया, बरसों से खोया सम्मान आज है वापस पाया। ममता मई माँ, बेटी बहन की है इसमें सूरत, धैर्य और सहनशीलता की है यह मूरत। हर संकट में पूरी हिम्मत से टकराई, झांसी की रानी बन पूरी वीरता है दिखाई। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स बन आसमान को भी छू आई, मर्दों के आगे दौड़ में न कभी इसने मुंह की खाई। न जान पाओगे इसके प्यार की तुम गहराई, जननी का रूप है इसमें समाया। कान्हा जी और गणेश जैसे देवों को भी देवकी और माँ गौरी ने है जाया। आओ मनाए महिला दिवस है आया, आओ मनाए महिला दिवस है आया। नारी का ही मानव ना करो तुम अपमान, हर क्षेत्र में आज नारी है नर के समान। याद करो अहिल्या बाई और मदर टेरेसा थी कितनी महान, नारी जगत की है इनसे शान। बनाई इन्होंने अपनी पहचान। कस्तूरबा जी ने महात्मा गांधी संग देश को आजाद करवाया। आओ मनाए नारी दिवस है आया, आओ मनाए नारी दिवस है आया। घर आंगन और कर्म क्षेत्र दोनों में संतुलन बना, कर्तव्य है निभाती जीजाबाई जैसी माँ की परवरिश, वीर शिवाजी है बनाती। ना करो अबला का तुम शोषण, ना करो तुम अबला का शोषण, करती है प्रेम से परिवार का ये पोषण। जहां नारी का सम्मान वहीं देव है समाया, जहां नारी का होता सम्मान वहीं देव है समाया। आओ मनाए महिला दिवस है आया, आओ मनाए महिला दिवस है आया। इस कविता के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि नारी का सम्मान करें। जब माता को सब पूजते हैं तो घर की माता को, घर की नारी को उसका भी सम्मान करें। नारी आज नर के समान है, उसे बराबर समझें। धन्यवाद।